मध्य प्रदेश के बैतूल में चुनाव के चलते पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस वाहनों की चेकिंग कर बदमाशों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने कुछ युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस को 7 पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले हैं। वहीं SP सीमाला प्रसाद ने खुलासा करते हुए बताया कि अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इसी दौरान 5 युवकों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 7 देसी पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये अभी आचार संहिता के चलते लगातार पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। जो हमारे PHQ के भी निर्देश हैं, उसके अनुरूप प्रत्येक सप्ताह हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो पिछले सप्ताह सभी थानों ने मिलकर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, जिसके तहत जो है 7 हमें पिस्टल्स मिली हैं और 14 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। 5 आरोपी हैं इसमें, जो अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसमें से 3 थाना कोतवाली क्षेत्र के हैं, 1 थाना सारणी का है और 3 थाना मुलताई क्षेत्र के हैं।